आज 6 अप्रैल जहां नूतन वर्ष प्रारंभ हो रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। भारतीय जनता पार्टी 39 वर्ष पूर्ण की है, 40वें वर्ष में प्रवेश करेगी और मैं कह सकता हूं कि इस 39 वर्ष के इस इतिहास में उतार भी देखे हैं, चढ़ाव भी देखे हैं और आज हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हैं। जब पार्टी बनी थी तो उस समय हम लोगों ने कुछ घोषणाएं की थी, जिसको कमिटमेंट्स कहते हैं, प्रतिबद्धताएं, पंचनिष्ठा। वो घोषणा थी राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की, पहली घोषणा थी, सर्वोपरि थी। दूसरी थी सर्व पंथ समभाव, सभी मजहबों में परस्पर का सौहार्द। तीसरी थी स्वस्थ लोकतंत्र, सभी को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी और लोकतंत्र में समुचित तौर पर जो भी चुनाव के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया है, सब लोग निष्पक्षता के साथ कर सकें। और चौथी थी शोषण मुक्त समतायुक्त समाज की स्थापना। पांचवी थी नैतिकता के ऊपर आधारित राजनीति। ये 5 कमिटमेंट थे जिसको हमने पंचनिष्ठा कहा और उस आधार पर हम काम करते आए हैं। और अंत में दीनदयाल जी उपाध्याय का जो एकात्म मानववाद का दर्शन है, उस एकात्म मानववाद दर्शन पर आधारित ये सारी चीजें होंगी। और इसलिए अगर देखेंगे तो राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद को हमने सर्वोपरि माना है। देश के अखंडता, सार्वभौमिकता, इस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो सके, इसको लोग अपने ढंग से जबरदस्ती करने का प्रयास न कर सके, इसके लिए हम हमेशा सजग रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़कर काम करते रहे हैं। शोषण मुक्त समतायुक्त समाज की बात हमने कही थी, उसी के अंतर्गत अंत्योदय की कल्पना को साकार किया। और जब जब भी हमारी सरकारें आई, हमने प्रयास किया कि जहां राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखते हुए देश की अखंडता अक्षुण्णता उसको हम व्यवस्थित रखें, वहीं देश के अंदर जो आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, इसमें भी परस्पर लोग स्वावलंबन के साथ जीवन व्यतीत कर सके, स्वावलंबी बन सके और गरीबी और अमीरी का अंतर कम हो सके। गरीबी नारे से नहीं तो इसको हम कार्यक्रमों के माध्यम से समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सके, ये हमने हमेशा किया है, इसको ज्यादा फोकस किया और इस आधार पर हम लगातार काम करते गए हैं। आज जो हमारी स्थिति बनी है, लोग कहते हैं हाँ इस समय तो राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद को हमने मुद्दा बनाया है इस समय, और जब से मोदी सरकार आई है, आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि आतंकवाद के खात्मे के लिए हम किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। और सबसे हमने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की जो शरणस्थली है उसको आइडेंटिफाई करते हुए उद्देश्य को अलग थलग करने का प्रयास किया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी देशों को उत्प्रेरित किया आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। और अपने देश में जिस तरीके से आतंकवादियों की गतिविधियां चल रही थी, लगातार उन गतिविधियों को रोकने के लिए और आतंकवादियों के समापन के लिए हमारे तरफ से प्रयास चले हैं और लगातार उसमें सफलता भी मिलती जा रही है। पुलवामा का कांड हुआ,
ये बताने की आवश्यकता नहीं कि किस का कांड था, 42 लोग मारे गए। उसको हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ी गंभीरता से लेकर सैनिकों को उसके अनुरूप स्ट्रेटजी बनाने के लिए छूट दी और किस ढंग से आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अगर आवश्यकता पड़ी तो जहां से उनका संचालन होता है वहां पहुंचकर उनके संस्थानों को भी ध्वस्त कर सकते हैं। और आपने प्रत्यक्ष रूप से इसका उदाहरण देखा कि हमारे वायु सैनिकों ने अपने शौर्य का, अपने कुशल रणनीति का, स्ट्रेटजी का परिचय देते हुए जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को वालकोटा और बाकी स्थानों पर ध्वस्त किया और किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई, उनके किसी प्रकार के सीमा का अतिक्रमण नहीं हुआ। आतंकवादी के विरुद्ध हमें कार्रवाई करनी है तो वही हमारा टारगेट होगा। इसलिए बार बार शब्द प्रयोग किया गया, लक्षित केंद्र, उसको टारगेट बनाया। और पाकिस्तान को भी ये कहा कि आप जैश ए मोहम्मद को उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की दृष्टि से आगे बढ़िए, अन्यथा इसका परिणाम भी ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान ने पहले सबूत मांगा कि क्या सबूत है कि आपने उनके ठिकानों को ध्वस्त किया है, क्या सबूत है कि पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के लोग रहे। और दुर्भाग्य है कि हमारे देश के लोगों ने भी सबूत मांगना शुरू किया, हमारे देश की कुछ ऐसी पार्टियों ने सबूत मांगना शुरू किया कि ये कहां कितने लोग मारे गए, ये आंकड़े ठीक नहीं है, ये दुखद रहा है। ठीक है, प्रतिक्रिया में कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसके कारण जो आतंकवादी हो या दुश्मन देश हो उनको प्रोत्साहन प्राप्त हो, लेकिन प्रतिक्रिया में जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के बंधुओं ने और दल के लोगों ने पुलवामा को, एक नेता ने तो कहा कि ये तो दुर्घटना है, और दल के लोग उन्होंने भी कहा कि ये तो सोची समझी रणनीति के अंदर करवाया गया है, प्रधानमंत्री को भी आरोप लगाया। ये सारे बयान ये आतंकवादियों को और दुश्मन देश को जो आतंकवाद को प्रोत्साहित करने में अपनी भूमिका निभा रहा है उसका मनोबल बढ़ा है, ये दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। और बार बार जो इस प्रकार की बातें की जा रही है वो अच्छा नहीं है। और इसलिए हमने इसको, प्रधानमंत्री ने बहुत साफ तौर पर कहा कि किसी भी हालत में हमारे अखंडता को, हमारे अभिन्नता को खंडित करने की दृष्टि से कोई भी भारत भूमि में दुस्साहस करके आएगा तो इसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी, प्रधानमंत्री ने कहा। अब इन सारी चीजों को लेकर लोगों ने अनेक प्रकार की बातें कहनी शुरू की, दुर्भाग्यजनक है। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमारे जवानों ने अपने शौर्य का परिचय दिया उसका गुणगान करने के स्थान पर कांग्रेस जैसी पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, ये जवानों के शौर्य के ऊपर समीक्षा करने की बात कहकर हमारे यहाँ के जवानों के मनोबल को नीचा करने का प्रयास किया है, ये दुखद है। जो देशद्रोही ताकतें हैं उससे संबंधित जो कानून है उसको भी समाप्त करने की बात कही गई है। हाँ, दुरुपयोग ना हो इसलिए तो कहना चाहिए, कानून का दुरुपयोग ना हो, निरपराध लोग इसमें अनायास फंसाया ना जाए, ये बात आती है तो अच्छी बात है, लेकिन इसको मिटा देंगे। जो विशेष बल है जिस बल के आधार पर अलगाववादियों के विरुद्ध कार्रवाई होती है, दुष्ट ताकतों के साथ कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई होती है, उस बल को भी हम समाप्त करेंगे।
और इतना ही नहीं तो फिर से जिस तरीके से पहले डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान जिस चीज के लिए दिया था, एक देश में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे, उसको फिर से जीवित रखने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया। और दुर्भाग्य इस बात का है कि पीडीपी की नेता महबूबा जी ने कहा कि अगर 35A और 370 के साथ किया गया तो कश्मीर एकदम अलग हो जाएगा, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये भाषा बोलने का उचित नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा कि फिर से अलग झंडा होना चाहिए, अलग सदर रियासत होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये भाषा बोलकर संसद का अपमान किया है। संसद में कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यह प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें सभी लोग थे। कांग्रेस के घोषणा पत्र ने इन सारी चीजों को प्रोत्साहित किया है। ये दुर्भाग्यजनक है, प्रक्रिया में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए जिसके कारण जो आतंकवादी हैं, दुश्मन देश है, जो देश के प्रति संकुचित भाव से सोचते हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले। इस घोषणा पत्र में सारा किया गया है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।